वीवो V29e, और ये पहला वीवो का एक ऐसा फ़ोन है जो कि बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको मिल जाता है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का फ़ोन है। वीवो का इससे पहले जितना भी स्कार्प वाला डिस्प्ले आया है वो बहुत ही प्राइस रेट इसका हाई है, और जिसका जो फीचर्स के मुताबिक प्राइस रेट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा है। लेकिन ये जो एक ऐसा मॉडल है जिसका प्राइस भी आपका कम है और फ़ोन का फीचर्स भी भर भर के दिया है कंपनी ने, और जिसका बैक का फिनिशिंग इतना आ जाता है कि एक साइड प्लेन है और एक साइड थोड़ा सा मैट फिनिशिंग है, और दूसरा के आप देख सकते हो स्कार्प डिस्प्ले है, फुल डिस्प्ले 120 आज का डिस्प्ले है, और जिसका कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही तगड़ा है। और नीचे में आपको एक टाइप सी पोर्ट और सिम कार्ड का सिम स्लॉट और इसका जो स्पीकर और माइक का पॉइंट दिखने को मिल जाता है। इसका हेडफोन जैक नहीं है, और इसका जो ऊपर में एक माइक मिलता है और साइड में आपका वॉल्यूम अप डाउन और पावर स्विच का बटन मिल जाता है। ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, और बैक का फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया किया है, और कलर भी बहुत ही बढ़िया है इसका। ये रेड कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ब्लैक कलर भी है। तो 5G है, और इसका जो स्कार्प वाला डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, और बॉक्स के आपको मिल जाता है बॉक्स में तो एक केस मिल जाता है मोबाइल कवर जो कि फ्री में मिल जाता है, और इसका जो 44 वाला फास्ट चार्जर है तो आपका बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इसका बहुत ही चार्जिंग जो है बहुत ही फास्ट होने वाला है, और सिम इजेक्टर टूल्स मिल जाता है, और USB 2 टाइप सी आपका जो जैक मिल जाता है। और फ़ोन को हम फटाफट सेटिंग कर लेते हैं, और सेटिंग करके आपको दिखाते हैं फ़ोन का जो फीचर्स है वो कितना अच्छा और तगड़ा और बेन चीज़ है जो कैमरा क्वालिटी है। जो लोग फ़ोन ख़रीदने से पहले उसका जो कैमरा क्वालिटी मेनली चेक करते हैं, कैमरा क्वालिटी कैसा है, और फ़ोन का परफॉर्मेंस तो बाद में देखते हैं, लेकिन कैमरा मेन चीज़ होता है आजकल की फ़ोन में। तो दोस्तों, आप अगर नए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो, ताकि ऐसा अनबॉक्सिंग वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। हम फटाफट सेटिंग कर लेते हैं, और वीडियो जो डिस्प्ले का क्वालिटी है फ़ोन में बहुत ही तगड़ा है, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, और जिसका जो कलर बहुत ही अच्छा मिलने वाला है आपको, और फुल डिस्प्ले है इसका। जो ऊपर में थोड़ा सा भी गैप है स्पीकर के लिए, और पंच होल कैमरा है, और नीचे में भी थोड़ा सा गैप है, तो आपको नहीं लगेगा कि ये गैप है, जो जैसे कि देख सकते हो। तो हम इसका जो कैमरा क्वालिटी चेक करके आपको दिखाते हैं कि कैमरा क्वालिटी कैसा है। कैमरा क्वालिटी दोस्तों गजब का है, इसका जो कैमरा में जो डिटेलिंग है ना बहुत ही अच्छा और तगड़ा है, और मोबाइल का रिफ्रेशिंग रेट बहुत ही अच्छा है। तो आपका जो ओपन एंड क्लोज़ ऐप, ओपन एंड क्लोज़ बहुत ही स्पीड होने वाला है, और ये जो देखो कि कितना अच्छा और स्मूथली काम करता है, बहुत ही बढ़िया इसका जो परफॉर्मेंस है। तो हम सेटिंग से आपको दिखाते हैं, तो इसका जो मेन तो ये देखिए दोस्तों, ये 8+8 GB रैम और 2.2 GHz का स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर है ऑक्टा, और इसका जो कैमरा क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, और उसके बाद आपको एक बार अच्छे से कैमरा क्वालिटी को दिखाते हैं। इसका जो कैमरा क्वालिटी है देखिए दोस्तों, एकदम क्लियरिटी के साथ मिलता है, और एकदम साइड से होके हुए आपको कैमरा क्वालिटी मिल जाता है। देखिए इसका डिटेलिंग है, फ़ोन से हम रिकॉर्ड करते हैं, और फ़ोन में देखिए कि फ़ोन से फ़ोन का रिकॉर्डिंग कितना अच्छा और क्वालिटी अच्छा क्वालिटी है, जो नॉर्मल फ़ोन का कैमरा है, और ये देखिए ये फ़ोन से हम फ़ोटो उठा रहे हैं तो उसका क्वालिटी बढ़ गया है, एकदम नेक्स्ट लेवल का कैमरा क्वालिटी है। एकदम हाथ में पकड़ोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि फ़ोन है, लगेगा आपको आपके हाथ में कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जो इस पार से उस पार दिखने के लिए देख सकते हो आप। एकदम क्लियर, एकदम फंटास्टिक वाला कैमरा है, लो लाइट में भी इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, और हाई लाइट में भी आपका कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया सा मिल जाता है, और फ्रंट का भी कैमरा ठीक ठाक ही है, ठीक है। इसका जो कैमरा क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है फ्रंट का,